हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे वन ऑफ द इजीएस्ट रेमेडी शेयर करूंगी टू स्टॉप हेयर फॉल एंड टू प्रमोट हेयर ग्रोथ। इस हेयर ग्रे के यूज से आपके बालों का टूटना झड़ना एकदम बंद हो जाएगा और इसके रेगुलर यूज से आपकी न्यू हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये आपके बालों को बहुत ही थिक एंड बाउंसी बना देगा और साथ ही साथ इसके यूज़ से आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी भी हो जाएंगे। ये हेयर ग्रोथ स्प्रे मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पास हेयर ऑयल्स एंड हेयर मास्क बनाने का टाइम नहीं है। तो आप बस इस आसान से स्प्रे को बनाइए और अपनी सारी हेयर प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। सो लेट्स चेक आउट द वीडियो। पर वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट बेल बटन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपलोड्स। तो इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को बनाने के लिए मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगी। पहले मेथड के लिए आप अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ड्राइड रोजमेरी लीव्स ले लीजिए एंड 1/2 कप ल्यूकोम वाटर ले लीजिए। इस रेमेडी के लिए आपको एक टी इन्फ्यूज़र या हर्ब स्टीपर की भी ज़रूरत होगी। ये आपको बहुत आसानी से किसी भी यूटेंसिल स्टोर पर मिल जाएगा। अब आप इस टी इन्फ्यूज़र में अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ ड्राइड रोजमेरी लीव्स ऐड कीजिए और इसे बंद करके ल्यूकोम वाटर में इन्फ्यूज़ होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास इन्फ्यूज़र नहीं है तो आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स को डायरेक्टली ल्यूकोम वाटर में ऐड कीजिए और इसे भी इन्फ्यूज़ होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 से 20 मिनट बाद रोजमेरी लीव्स अच्छे से पानी में इन्फ्यूज़ हो जाएं तो आप इस इन्फ्यूज़र को निकाल दीजिए और फिर इस सॉल्यूशन में आप अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल ऐड कीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इस सॉल्यूशन को एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को एक बार बना के फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। रोजमेरी हमालों के लिए एक मिरेकल की तरह काम करता है। रोजमेरी के यूज़ से हमारी स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इट्स हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मेक इट एन एक्सलेंट इन्ग्रीडियंट फॉर नरिशिंग द हेयर फॉलिकल्स एंड सूदिंग द स्कैल्प। रोजमेरी के यूज़ से हमारे हेयर नेचुरली थिक हो जाते हैं और ये हमारे बालों को बहुत सॉफ्ट एंड शाइनी भी बनाता है। हमारी स्कैल्प पर क्लॉग्ड हेयर फॉलिकल्स की वजह से हमें डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर रोजमेरी के यूज़ से हमारे हेयर फॉलिकल्स अनक्लॉग हो जाते हैं और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता है। रोजमेरी के यूज़ से प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी डिले हो जाती है। आप अपने बालों को डिटैंगल कीजिए और इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को अपने स्कैल्प पर और हेयर फॉलिकल्स पर अच्छे से स्प्रे कीजिए और फिर हल्के हाथों से 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए। मसाज के बाद आप इसे सूखने के लिए 1 घंटे के लिए अपने बालों पर छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद अपने बालों को आप किसी भी हर्बल शैम्पू से धो लीजिए। आप देखेंगे कि आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट एंड शाइनी बना देगा। सेकंड मेथड के लिए आप लीजिए 1/2 कप ल्यूकोम वाटर, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और एलोवेरा जेल। इसके लिए आप 1/2 कप वाटर में अराउंड 10 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ऐड कीजिए और फिर उसमें अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल ऐड कीजिए और इन सब इन्ग्रीडियंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अब इस सॉल्यूशन को आप किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अगर आपके पास ड्राई रोजमेरी लीव्स नहीं हैं तो आप इस स्प्रे को एसेंशियल ऑयल से बना सकते हैं। इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स यूज़ कीजिए और आप देखेंगे कि एक ही वीक में ये आपके बालों को कितना सॉफ्ट एंड शाइनी बना देगा। इसके रेगुलर यूज़ से ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा और आपका हेयर फॉल एकदम स्टॉप हो जाएगा। आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी क्योर करेगा। अगर आपके बाल बहुत ड्राई एंड फ्रीजी हैं तो ये उस प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करेगा और आपके बालों को बहुत ही मैनेजेबल बना देगा। अगर तो आपके पास टाइम नहीं है होममेड हेयर ऑयल्स एंड हेयर मास्क बनाने का तो आप बस इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को बनाइए और आपके सारे हेयर प्रॉब्लम इससे कुछ ही दिनों में कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इस हेयर ग्रोथ स्प्रे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।